सुंदर जी शायद नेट प्रॉब्लम हो रही है बार बार आइए सुंदर जी एक भजन गाते हैं तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है करे गुणगान हम जितना हम जितना उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हें तीर्थ हो मंदिर हो તુમી હો મેરી જિંદગી તુમી તીરથ હો મંદિર હો તુમી હો મેરી બંદગી તુમી ધડકન હમારી હો તુમી હો મેરી જિંદગી તુમી ધડકન હમારી હો તુમી હો મેરી જિંદગી तेरी करुणा ने ही सतगुर हो 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 तेरी करुणा ने ही सतगुर सभी खुशियों से जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है करे गुनगान हम जितना हो हो, हो करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुल हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है गुरुवर गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर ही गुरु धड़कन में मेरी हो ही नजरों में समाए हो ही धड़कन में मेरी हो ही नजरों में समाए हो मेरा वीरान था जीवन तुम्हें बहार लाए हो मेरा वीरान था जीवन तुम्हें बाहर लाए हो तेरी कृपा ने ही सतगुर हो, हो, हो तेरी कृपा ने ही सतगुर सभी सुखों से जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है करे गुणगान हम जितना हो हो, हो करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय लाडले सुंदर साहु जी आइए हम प्रकट वाणी की चर्चा शुरू करें कल हम सुन रहे थे लाडले सुंदर साहद जी कि ब्रह्म सृष्ट बिना ना जाने कोई क्या कह रहे थे धाम के धनी परम शरदे आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहद जी आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश श्यामा जी के चरणों में सदगुरु जी के चरणों में मेरा कोटान कोट वेर प्रणाम लाडले सुंदर साहद जी कल हम सुन रहे थे कि बिना ना जाने कोई कहते ये जो लीला है ना, परम धाम की ये परम धाम की लीला परम धाम की आत्माओं के बिना कोई नहीं जानता कल हमने अच्छे से सुना और ये सृष्ट ब्रह्म थे न्यारी ना होए और जो परम धाम की आत्माएं हैं ना वो अपने प्रीतम से कभी भी अलग नहीं होती क्योंकि उनके प्रीतम एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते उनके अंग संग रहते हैं so, निद ब्रह्म सृष्टि इत, इसलिए ये निद, ये खजाना परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस खेल के अंदर लेके आई निद कहते हैं खजाने को निद कहते हैं तारतम वाणी को निद कहते हैं परम धाम के गुज रहस्य इस खेल के अंदर ब्रह्मात्माएं लेके आई जो धाम के धनी सुंदर ग्रंथ जी वर्णन करते हैं कि ए निद निर्मल अति घनी दिए साथ ने सार कोमल चित दे लीजिए जेमा रहे रुदे निर्धार लाडले सुंदर जी धाम धनी ए निद निर्मल अति घनी ये जो निद आई है तारतम वाणी रूपी ये जो खजाना है ये इतना निर्मल है जैसे एक पानी की बोतल भरी भरी हुई हो सुंदर सुन्दरसाज जी और उसमें हम चोपड़ा मंदिर का श्री जमुना जी का जल मिला दें तो अब वो पूरी बोतल क्या बन जाएगी अब वो पूरी बोतल जमुना जल कहलाएगी लाडले सुंदर साथ जी ये निध इतनी निर्मल है कि अनादि काल से लेके आज तक किसी आत्मा ने एक भी अच्छा कर्म ना किया हो और मन के अंदर विकारी विकार भरे हो दोष दोष भरे हो अवगुणी अवगुण भरे हो तो श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये निध इतनी निर्मल है एक बूंद भी अगर ये तारतम वाणी की हृदय के अंदर चली गई तो ये तारतम वाणी का रस जहर उतारे। ये वाणी का जो रस है ये कितना भी माया का जहर चढ़ा हो उसको उतार देगा निर्विखी काया करे और काया को निरोग बना देगा काम क्रोध मोह लोभ हंकार ये जो रोग लग गए हैं, इनसे भी निरोग कर देगा निर्विखी काया करे जीव जागे करारे और जीव आत्मा जब जगेगी उसको करार मिलेगा चैन मिलेगा तो लाडले सुंदर साहद जी ये जो निद आई है ये खजाना जो आया है ये ये परम धाम की आत्माएं यहाँ पे लेके आई ना तो ए लीला दुनिया में ना कित महामती फरमाते है नहीं तो ये जो लीला है ये परम धाम के अंदर नहीं थी प्रेम ब्रह्म लिया इत ना तो प्रेम ना दुनिया में कित परम धाम की आत्माई इस खेल के अंदर प्रेम लेके आई तो लाडले सुंदर साथ जी ए बानी थे कहे अब सुनिए ध्यान के साथ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज है ना उनको धाम के धनी मिल गए हैं है ना हमने सुन लिया अब श्री कृष्ण मिल गए हैं पूरा परम धाम दिखाई देने लग गया है और परम धाम का साक्षात्कार हो रहा है अब उनके हृदय के अंदर इतनी खुशियां छाई हुई हैं सुंदर जी कि मैंने इस अलौकिक खजाने को पाया है तो ये मैं खजाना किसको दू सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मन में विचार करते हैं भान धनी मुखते कहे कहते धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ये वाणी लोगों को सुनाती हैं सो दुनिया क्यों कर ले पर ये जो दुनिया की जीव सृष्टि है वो इस खजाने को कैसे ले सकती है क्योंकि केसरी दूध कनकनारे पात्र बिना न ना समाये धामधनी ने कहा ये श्यामा जी महारानी जो केसरी है परम धाम की ये उनकी रसना का रस है सुंदर साथ जी केसरी दूध कनकनारे पात्र बिना ना समाए इस दूध को रखने के लिए तो सोने का पात्र चाहिए सुंदर साथ जी क्योंकि शेरनी का जो दूध होता है ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन के बिना नहीं रहता अगर आप सोने के बर्तन के बिना किसी और बर्तन में उसको डालोगे तो वो बर्तन को फाड़ के निकल जाएगा पर वो दूध वहां टिकेगा नहीं रहेगा नहीं और महामती ने फरमाया केसरी दूध कण कणारे अरे ये तो श्यामा जी की रसना का रस धाम धनी या पिला रहे हैं पात्र बिना केम समाये सामने वाला पात्र नहीं होगा तो सुंदर साथ जी ये रस अंदर जा नहीं सकता क्योंकि ये इतनी निर्मल है ये खजाना परम धाम का है इसलिए शिव जी ने सुखदेव मुनि जी को कहा था पात्र होते तिने पाइया इस घर के पात्र होंगे वो ये वाणी सुन सकेंगे वो ये वाणी पढ़ सकेंगे है ना और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस समय दुनिया वालों को सुना रहे हैं एक नाई मिल गया सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को ध्यान से सुनना बात को आनंद आएगा बहुत एक नाई मिल गया तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने नाई से पूछा आप कहा जा रहे हो तो वो कहता है मैं तो राजा की हजामत बनाने के लिए जा रहा हूं शेव करने के लिए मालिश करने के लिए है ना कटिंग करने के लिए तो देवचंद्र जी महाराज बोले कि आपको वो कितने पैसे देते हैं तो बोले वो क्या हमें चार आने देंगे तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा आज आप ऐसा करो आप मुझसे ये ब्रह्म ज्ञान सुन लो मैं तुम्हें आठ आने दूंगा वो चार आने देता है तो मैं आठ आने आपको दूंगा आप ये ब्रह्म ज्ञान सुन लो मेरे से तो वो ना बैठ गया धनी श्री देवचंद्र जी, जी महाराज वर्णन करने लगे परम धाम का परम धाम का जब वर्णन करने लगे तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मानिक पहाड़ जो आया है दक्षिण दिशा के अंदर उसके अंदर बारह हजार चोरस हवेलियां आई बारह हजार गोल हवेलियां आई बारह हजार भोम ऊंचा गया जैसे ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मानिक पहाड़ का वर्णन अभी तो शुरू ही किया देवचंद्र जी महाराज ने ना ही कहता है मुझसे इतने झूठ नहीं सुने जाते इससे अच्छा है तो मैं राजा की दाढ़ी बनाऊंगा मालिश करूंगा शेव बन करूंगा पर मुझसे इतने झूठ नहीं सुने जाते के मानिक पहाड़ बारह हजार भोम ऊंचा है हाँ ना अभी तो शुरू ही किया था सतगुरु महाराज ने लेकिन सुंदर साथ जी, मेर होए ना बिना अंकुर अंकुर सोई हक निस्वत माहे बस तजल्ला नूर ये कृपा अंकुर के बिना नहीं होती सुंदर साथ जी बिना अंकुर के ये वाणी चर्चा कोई सुन नहीं सकता ना तो बुरा ना चाहे कोई आप को सबो मारे अपनी तकसीर श्री जी ने वाणी में फरमाया जी कि कोई भी आत्मा अपना बुरा नहीं चाहती पर सबो मारे अपनी तकसीर पर उनकी तकदीर के अंदर लिखा नहीं होता तो लाडले सुंदर साहद जी ये ब्रह्म वाणी चर्चा का रसपान हर कोई नहीं कर सकेगा इस बात को आप याद रखना आप जितने सुंदर साथ ये वानी प्रगट वानी की चर्चा अप्रैल से लेके अब तक सुन रहे हो ना सुंदर साची आप साधारण नहीं हो शिरजी ने बताया बेहद वाणी के अंदर कि इस वाणी के लिए पता नहीं हमारा जीव कितने जन्मों जन्मांतर तक जप करके तप करके ध्यान कर कर के इस ब्रह्मवाणी की हमने चाहत की हमारा जीव पता नहीं कितनी तपस्या कर, कर, कर के आया है सुंदर तो आज इस ब्रह्मवाणी का हमें दर्शन मिल रहा है हमें पढ़ने को मिल रही है क्योंकि शिरजी वाणी में फरमाते हैं कई औलिए कई अम्बिये भी तप किए या दिन के कारण उस अल्लाह को चाहने वाले उन अल्लाह के ऊपर समर्पित लोगों ने इस वाणी को जानने के लिए इसका दर्शन करने के लिए इस वाणी को सुनने के लिए कितने जप तप ध्यान किए सुंदर जी हमारा जीव भी जो अंदर बैठा है पता नहीं कहां कहां से वो कसनी कर करके जप तप ध्यान करके उसने ये ब्रह्म वाणी की चर्चा मांगी होगी तो हमें ये सुंदर साधजी ये वाणी चर्चा सुनने को मिल रही है पर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उस नाई को सुनाने लगे तो सिर जी ने कहा बिचारे क्या करें सुख ताले लिखिया नाए ये बिचारे क्या करें इनके नसीब के अंदर ताले मिन सोता सुंदर साहब जी नसीब इनके नसीब के अंदर ये वाणी लिखी नहीं है और जिसके नसीब में ये वाणी ना लिखी हो सुंदर साहद जी वो सोचते हैं हम चर्चा नहीं सुनना चाहते नहीं सुंदर साजी नहीं ये चर्चा धाम धनी जिसको सुनाए वो ही सुन सकते हैं हम रोज कहते हैं भीतर के अंदर कि चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ चर्चा वो ही सुन सकता है जिसके हाथ पकड़ के धनी बैठाए और धनी जी ने वाणी में फरमाया है, तुम बैठाए बैठत मुझ में नई ताकत बैठी तले कदम के ए भी तुम कहावत तुम बैठाए बैठत किसी आत्मा को धनी हाथ पकड़ के अपने पास बैठाए तो कोई आत्मा बैठ सकती है सुंदर साज जी और अगर धाम धनी ना बैठाएं तो कोई भी आत्मा बैठ नहीं सकती यहाँ पे सतगुरु धनी देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं भेजूंगा तमाम अब देखना अब ब्रह्मात्माओं को धनी जिसको भेजेंगे ना सुंदर साह जी वही आत्मा आएगी वही तीन सौ तेरह आत्माएं आएंगी धनी देवचंद्र जी से चर्चा सुनने जिन आत्माओं को श्री कृष्ण खुद घर से दर्शन देके और भेजेंगे तो लाडले सुंदर जी तो महामती फरमाने भी ए बानी धनी मुखते कही सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज का वर्णन रास का वर्णन परम धाम का वर्णन दुनिया वालों को सुना रहे सोए दुनिया क्यों कर ले पर दुनिया इस वस्तु की पात्र नहीं है सुंदर जी और बिना पात्र के ये वस्तु हृदय में जा नहीं सकती गांग जी भाई मिले इन अवसर अब बड़ी खुशी की बात कि इस समय जाम नगर के सेठ गांगजी गांग देव ही देवचंद्र जी भाई से कांजी भट्ट से कथा सुनते थे श्याम जी के मंदिर में तो इस समय गांगजी भाई मिल जाते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से तीन ए वचन लिए धर और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने गांगजी भाई को चर्चा सुनानी शुरू की गांगजी भाई को सुनाया कि ब्रिज अखंड कहां पे है रास अखंड कहाँ पे है है ना तो जब ये बातें गांगजी भाई को सुनाने लगे ना सुंदर साद जी तो गांगजी भाई कहते हैं कि आप और हम दोनों कांजी जी भट्ट से श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनते हैं ए वचन अगाध है लियावत क्योंकि उनको लगा ये तो अलौकिक वस्तु सुना रही है सतगुरु धनेश्वरी श्री देवचंद्र जी महाराज ये तो कांजी भट्ट ने कथा में सुनाया ही नहीं कि हम सब आत्माएं परम धाम से खेल देखने के लिए आई हैं पहले हम ब्रजमंडल के अंदर आए फिर रास के अंदर आए फिर उमेंदा ना हो पूरण धाक मन में रही हमारी उमेंदे पूरण नहीं हुई हमारी इच्छा बाकी रह गई तो हम तीसरी बार इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं तो जब ये बातें गांगजी भाई को सदगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज सुनाते हैं तो कहते कर विचार पूछे वचन फिर गांगजी भाई अखंड ब्रिज पे विचार करते हैं अखंड रास की लीला पे विचार करते हैं और निके अर्थ लिए जो इन विचार करते हैं फिर एक एक अर्थ को अपने हृदय में लेते हैं गांगजी भाई कि भागवत के अंदर तो अखंड ब्रिज की लीला को कांजी भट्ट ने सुनाया ही नहीं अखंड रास कहां अखंड है ये सुनाया ही नहीं और वास्तविक लीला केवल ब्रह्म की स्वामिनी में हुई है और वो अखंड हुई है सबलिक के महाकारण में और ये सारी लीला सदगुरु धनी श्री जी महाराज जब गांगजी भाई को सुनाते हैं तो गांगजी भाई बड़ा विचार करते हैं तो कहते हैं कर विचार पूछे वचन कहते विचार करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से बड़ी जिज्ञासा के साथ अखंड ब्रिज रास की चर्चा को और और पूछते हैं दोबारा दोबारा पूछते हैं नीके अर्थ लिए जो इन और अच्छे से एक एक अर्थ को ग्रहण करते हैं फिर इसमें प्रश्न आ जाएगा सुंदर साहद जी ध्यान के साथ सुनना कौन पूछ रहे हैं गांगजी भाई किससे पूछ रहे हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से जब समझाई पार की बान जब सदगुरु धनी श्री देव चंद्र जी ने अखंड ब्रिज, अखंड रास और परम धाम का वर्णन करके जब सुनाया तब धनी की भाई पहचान उसी समय गांगजी भाई ने देखा कि इनके अंतस्करण के अंदर तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आए बैठे हैं परम धाम की पूरी पहचान हो गई गांगजी भाई को और गांगजी भाई को हृदय से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय से दर्शन होने लगा कि अरे ये तो साक्षात धाम के धनी खुद लीला का वर्णन कर रही हैं अपने घरों लिए बुलाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय अपने घरों लिए बुलाए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को गांगजी भाई अपने मंदिर में अपने घर में लेके जाते हैं उनका घर है चाकला मंदिर तो चाकला मंदिर में लेके जाते हैं करी बहुत सेवा करी बहुत चित लाए और इस समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की बहुत सेवा करते हैं क्योंकि पूर्ण पहचान हो गई है किसको गांगजी भाई को सने सो सेवा करी जो घनी कहते बड़े सने के साथ क्योंकि जब तक सुंदर साथ जी हमको सतगुरु की और धनी की पूर्ण पहचान नहीं होती ना सुंदर साथ जी तब तक हम सेवा उनकी नहीं कर सकते क्योंकि सेवा करने के लिए सतगुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और पूरा प्यार होना चाहिए और जब तक सदगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास हृदय में नहीं होता और पूर्ण प्यार नहीं होता तब तक हम सेवा नहीं कर सकते इसलिए सतगुरु श्री जी साहेब जी ने एक प्रकरण रखा किर किरंतन में और किरंतन के प्रकरण में कहते हैं धन धन सखी मेरी हुई पहचान धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान धन धन सखी मेरी हुई पहचान धन धन, धन धनी पर मैं भई कुर्बान धन धन सखी मेरे सोई रे दिन जिन दिन पिया जी सो, रे, धन धन सकी मेरे सोई रे दिन जिन दिन पिया जी सो मिलन श्री इंद्रावती जी ने इस प्रकरण के अंदर फरमाया के सुंदर साथ जी अपने आप को धन्य धन्य उस दिन समझना जिस दिन आपको अपने सतगुरु धाम धनी की पूर्ण पहचान हो जाए धन धन सखी मेरे सोई रे दिन धन्य धन्य तो वो दिन है जिन दिन पिया जिसो रे मिलन जिस दिन हमारा प्रीतम के साथ धनी के साथ मिलन हो जाए वो दिन हमारा धन्य धन्य कहलाएगा धन धन सखी मेरी हुई पहचान खाली सतगुरु से तारतम मंत्र ले लेना और लेके घर चले जाना ये पहचान नहीं है सुंदर साथ जी, जिन्होंने हमें तारतम मंत्र दिया उनके हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी को देखना क्योंकि अरश कह ना ऊपर तले अरश कह मोमिनो कलूब परम धाम ऊपर नीचे नहीं है सुंदर साधी परम धाम सतगुरु के हृदय को करके धनी बैठे हैं ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम बना के बैठे हैं तो जब तक पूर्ण पहचान नहीं होती सुंदर जी धाम धनी की क्योंकि सतगुरु की पहचान जब हो जाएगी तो इंद्रावती जी ने कहा धन धन सखी मेरी हुई पहचान पहले तो पहचान हो जाइए क्योंकि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइये सतगुरु संग करतार ये संसार बहुत बड़ी खोज है लेकिन हमें तो अपनी आत्मा के लिए खोजना है और कहते खोजते खोजते जब सच्चे सतगुरु मिल जाए तो सतगुरु के अंदर से ही हमें करतार मिलेंगे खोजत खोजत सतगुरु पाइये सतगुरु संग करतार सतगुरु के साथ ही हमें करतार मिल जाएंगे सुंदर साहद जी तो सबसे जरूरी है कि हम सतगुरु की पहचान करें क्योंकि पहचान पीछे ना सहे हान जब किसी आत्मा को पूर्ण पहचान हो जाती है ना सुंदर जी तो पहचान होने के बाद कोई भी आत्मा फिर हानि नहीं होने देती श्री इंद्रावती जी ने कहा मेरी सही हल रे शाह आए थे मेरे घर मेरी मेरे रे शाह आए थे मेरे घर मैं पहचान न कर सकी पी चले पुकार कर मैं पहचान न कर सकी पी चले पुकार कर घर आई न पहचाने कहीं विध विध केव चन्न कानियाँ आखा फूटियाँ फुट हिर्दय के नायन मैं पहचान न कर सकी ए धनी मैं आपकी पहचान नहीं कर सकी श्री इंद्रावती जी ने पूरी प्रकाश हिंदी के अंदर सतगुरु की महिमा गाई है उन्होंने तो पहचान कर ली सुंदर साथ जी पर हम लोग अब तक नहीं पहचान कर पा रहे देखिए गांगजी भाई पूर्ण पहचान कर लेते हैं निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की और जब पहचान कर लेते हैं तो अपने घरों लिए बुलाए पहचान करके अपने घर आंगन के अंदर चाकला मंदिर के अंदर श्री पांच नौतनपुरी धाम में चाकला मंदिर श्री गांगजी भाई का घर है और उस घर में गांगजी भाई लेके जाते हैं सेवा करी बहुत चित लाए और सदगुरु की सेवा बहुत चित से करते हैं सने सो सेवा करी जो घनी पहचान के आप अपना धनी इस पे हम अब कल चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हमें समझना है कि सेवा क्या चीज होती है तो लाडले सुंदर साहद जी अभी हमारा ये समय हो गया और पहले तो आप सुंदर साथ को कल के प्रश्नों का उत्तर दे दें कल के पहले प्रश्न का उत्तर था आत्मा पवित्र करने के लिए दूसरे का था वे गरीब थे तीसरे का था तीन दिन तक और चौथे का था भीम भट्ट और श्याम भट्ट और पांचवे का था गोविंद व्यास जी ठीक है सुंदर साथ जी और अब आज के पांच प्रश्न शुरू होते हैं अब आया स्वरूप कर नए श्रृंगार इस स्वरूप का नाम क्या है हमने अच्छे से रास की लीला को समझा सुंदर साहब जी है ना आया स्वरूप कर नए श्रृंगार इस स्वरूप का नाम क्या है दो स्वरूपों ने लीला की थी ना एक हिंट दे देती हूँ दो स्वरूपों ने लीला कराई थी ना फिर जब स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो उसके बाद वो कौन सा स्वरूप फिर से प्रकट होता है इतना बड़ा हिंट दे दिया सुंदर साहब जी आपको ठीक है दूसरा प्रश्न है श्री राजी महाराज ने रूहों को खेल दिखाने के लिए कितने ब्रह्मांड बनाए सुंदर साहद जी शायद आज नेट प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी श्री राजी महाराज ने रूहों को खेल दिखाने के लिए कितने ब्रह्मांड की रचना की तीसरा प्रश्न है काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड में अक्षर अक्षर की कितनी सखियां थी काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड था ना उसके अंदर अक्षर भगवान अपनी सुरताएं धारण करते हैं है, है ना कितनी सखियां होती हैं काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड के अंदर चौथा प्रश्न है काल माया ब्रह्मांड में वेद ऋचा कितनी सख्या थी कालमाया ब्रह्मांड के अंदर वेद ऋचाएं जो सखियां थी ना उनकी संख्या कितनी थी एक तो आपको बताना है अक्षर भगवान की सखियों की संख्या कितनी थी कालमाया प्रतिबिंब ब्रह्मांड के अंदर अक्षर भगवान की सखियों की संख्या कितनी थी और फिर दूसरा है कि वेद ऋचाओं की संख्या कितनी थी ठीक है और फिर है जब जरा सिंध ने मथुरा को घेर लिया तब श्री कृष्ण जी को चिंता क्यों होती है यह था आपका पांचवा प्रश्न जब जरा सिंध ने मथुरा को घेर लिया तब श्री कृष्ण जी को चिंता क्यों होती है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सुंदर जी आज ना मेरे पास आपके यहां से जवाब नहीं आ रहे शायद मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे नहीं पता आपने पांचों प्रश्न सुन लिए और अब कल के विनर की घोषणा करते हैं सुंदर साहद जी कल की विनर हैं सोनाली जी सूरत से सोनाली जी सिम्मी हम प्यार से बोलते हैं सिम्मी जी सिम्मी जी सूरत से कल की विजेता है कल की विनर है लाडले सुंदर साहद जी सिमी जी को धाम धनी की तरफ से श्री राजी महाराज की तरफ से सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी